हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास T20 वर्ल्ड कप के हवाले से तमाम खबरें, एनालिसिस और साथ साथ लाइव सेशन तो हम रोज 10 बजे के बाद करते हैं, तो आप सब ज्वाइन भी किया करें। सो जनाब, आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, चूंकि वार्म अप मैचेस भी खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच है, इसके साथ साथ आज आयरलैंड श्रीलंका का मैच है। और आपको पता है कि इस ग्रुप का भी रनर अप जो है वो आएगा पाकिस्तान के ग्रुप में। तो आयरलैंड श्रीलंका के मैच के बाद हमें ये सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि कौन सी टीम ग्रुप ए से आ रही है। और ग्रुप बी का तो ऑब्वियसली अब मामला काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है। बांग्लादेश को आखिरी मैच जीतना है, दूसरी जाने ओमान के पास भी चांस मौजूद है, स्कॉटलैंड को वो हरा देते हैं, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप। वहाँ भी जो विनर है वो कौन होता है और फिर वो पाकिस्तान के ग्रुप यानी कि राउंड टू में जो मेन राउंड है उसमें ग्रुप टू में कौन आता है, तो ये अब तय होना है आज और कल में। क्योंकि आपके पास दोनों ग्रुप बहुत टफ हैं, तो अंदाज़ा लगा लेंगे हम लोग कि कौन से ग्रुप में और कितनी ज़्यादा जो है वो पावर आ गई है। और स्पेशली जिस ग्रुप में मुझे लगता है कि बांग्लादेश होगी, इट गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो अभी अपने पोटेंशियल पे नहीं है, बट इन पिचेस के लिहाज से अपने स्पिनर्स की वजह से और फिर शाकिब उल हसन जैसे ऑलराउंडर की वजह से, स्पिन ऑलराउंडर की वजह से आई थिंक वो कभी भी किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। पाकिस्तान को आज जनाब खेलना है प्रैक्टिस मैच, 7:00 बजे शुरू होगा और PTV ने कहा हुआ है कि ब्रॉडकास्ट करेंगे। लेट्स सी, क्योंकि दूसरा मैच भी चल रहा होगा तो कहाँ दिखाते हैं, बट चलिए लास्ट टाइम मैंने दराज की ऐप पे तो खैर उसको लाइव देखा था और फिर ICC की वेबसाइट पे आपको तमाम झलकियाँ मिल रही है। देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम आज डे नाइट मैच के हवाले से क्या प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन रहा है इस वर्ल्ड कप में कि ड्यू फैक्टर कहीं होगा तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के सब मैचेस 7:00 बजे हैं यानी कि डे नाइट, और पाकिस्तान को आज का मैच डे नाइट एक ही मैच मिला है, तो पाकिस्तान को आई थिंक अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स के हवाले से पिच और कंडीशंस की क्या सूरत हाल रहती है, स्पेशली ड्यू फैक्टर के लिहाज से। और फिर ये भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि नंबर 6 पे अगर बारी आती है आज तो कौन खेलता है। मेरी इतला के मुताबिक तो आसिफ अली को गुज़िश्ता मैच खेलना था, बट हैदर अली भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान आज किस बॉलिंग प्लान और बैटिंग प्लान से उतरता है। आई नो कि 11 नहीं होती इस मैच में, लेकिन फिर भी आपके टॉप 6 या आपके जो बॉलिंग चेंजेस हैं वो आपको हिंट जरूर दे देते हैं कि आपकी टीम मैनेजमेंट एक फाइनल प्लान क्या बना रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम से जनाब खबर ये भी है कि तमाम जो फैमिलीज हैं, खिलाड़ियों की फैमिलीज हैं, उनको इजाज़त है बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करने की, तो तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर उसको फॉलो करते हुए सानिया मिर्ज़ा ने भी पाकिस्तान टीम के बायोसिक्योर बबल को ज्वाइन कर लिया है अपने शोहर शुएब मलिक के साथ। अभी हाल ही में टूर्नामेंट भी जीता, तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को उनकी फैमिलीज का साथ मिल जाता है, बच्चों का साथ, तो बायोसिक्योर इज़ सो टफ, क्योंकि कमरे में बंद रहना या ज़्यादा से ज़्यादा एक होटल के कॉरिडोर में, तो फैमिली साथ हो तो काफ़ी हद तक आपको एक मुझे लगता है कि मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, तो डैट इज़ आई थिंक गुड। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जनाब के मैथ्यू हेडन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी तरह उनके जो गेम प्लान है कल हमें मैथ्यू हेडन की ज़बानी भी सुनने को मिलेंगे, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कल कर रहे हैं, तो इट गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। साथ साथ जनाब कायदान ट्रॉफी शुरू हो गई है, इसके हवाले से भी आपको मैं अपडेट जो है वो साथ साथ शाम के एपिसोड में या आने वाली वीडियोस में देता रहूँगा। पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, सो ऑब्वियसली नेशनल टीम नहीं है, लेकिन फिर भी इस टूर्नामेंट की अहमियत बहुत है। देखते हैं कि रमीज राजा ने बात की थी कि हम डोमेस्टिक सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या बेहतरी आती है, और इसी तरह बहुत सारी और अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगा। तो जनाब आज के प्रैक्टिस मैचेस में बड़ी नज़र रहेगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी तरह बाकी मैचेस भी, और फिर ऑब्वियसली आज आयरलैंड और श्रीलंका का मैच बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें काफ़ी हद तक जो है वो एक क्लैरिटी आ जाएगी। सो जनाब ये थी अब तक की एक वर्ल्ड कप के पाकिस्तान कैंप से अपडेट और साथ साथ मैचेस के हवाले से बातचीत। जैसे ही कोई नई खबर आती है आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन से आ जाए, और फिर लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई आपके दिल में सवाल है किसी भी किस्म का, आप ज़रूर मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी रोज़ 10:30 बजे हम लाइव सेशन करते हैं मैचेस के हवाले से, तो आप सब ज़रूर ज्वाइन करें, आपको सवाल जो है वो करने का मौका मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।